सोलन में भाजपा कार्य समिति की वर्चुअल बैठक का सोलन भाजपा कार्यालय में सफल आयोजन हुआ। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशीमधर सूद और भाजपा नेता नंदराम कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहीं। ये बैठक संगठनात्मक दृष्टि से 17 जिलों में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में अध्यक्ष और महामंत्री समेत भाजपा पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि इस बार कार्य समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से की जा रही है, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी भाग ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर पर जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की जा रही है और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते इसे वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। मूलतः जो है ये जो बैठक होती है ये पार्टी के जो संगठन से संबंधित विषय होते हैं उसको लेकर के होती है, और इसमें अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं पार्टी के और पार्टी की जो योजनाएं रही हैं, सरकार की जो योजनाएं रही हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है और पार्टी के कार्यक्रम जो पार्टी जारी करती है उन कार्यक्रमों की समीक्षा होती है और भविष्य के कार्यक्रमों के ऊपर चर्चा होती है और उनको बूथ स्तर तक लागू करने के लिए जो है वो कार्यकर्ताओं से आह्वान होता है। तो यही जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पार्टी की बैठक का उद्देश्य है।